अभी भी पुलिस बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हम पुलिस के ऊपर छोड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिस, मुंबई पुलिस को पसंद तो करती हूँ मैं, और मैं पुलिस के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हमें कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मेरे दुल्हन, मतलब दे हैव शोन मी अ ब्राइड, क्योंकि इसीलिए क्योंकि लड़की की शादी हो जाती है और उसके बाद उसको पता चलता है कि वो हिंदू लड़का नहीं है, वो मुस्लिम है, और कैसे उसके फैमिली टॉर्चर करते हैं वही हमने दिखाया है इसमें। और हमने उत्तराखंड में शूट किया था, और ऋषिकेश में स्पेशली बहुत अच्छे लोकेशंस हैं, बहुत दिल को छू जाते हैं लोकेशंस। देखिए, ये जो मी टू मूवमेंट भी आया है, अभी तक कल्प्रिट को कोई भी सजा नहीं मिलता है और सब अच्छे से ऐसे ही घूमते हैं, तो मतलब ये प्रूव हो जाते हैं कि लड़कियाँ कितना भी चिल्ला ले, कितना भी कुछ बोल दे हमारे बारे में, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाले। ये जो मेंटेलिटी है, इससे क्या होता है, जैसे कि मी टू जब 2018 में शुरू हुई थी, तब मैंने बहुत बार, मेरे साथ जो हुआ मैं बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे घर वालों ने बोलने नहीं दिया, सब ने मुझे रोक दिया कि मत बोलो, तुमको काम नहीं मिलेगा, तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब मत बोलो इसलिए क्योंकि करियर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, और तुम अपना सच नहीं बोल सकते इसके लिए। ये जो, क्योंकि इंडस्ट्री में भी ऐसे मेंटालिटी जो है, इसके अगेंस्ट में मैं खड़ी हुई और इसके बारे में बोली हूँ, और मैंने बोला कि मैं देख लूँगी। तो ऐसे अगर कल्पित को सजा नहीं मिलता है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो फिर आगे जाके भी दूसरे लड़कियाँ भी छुपी रहेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि फिर पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा आगे, और कुछ होने वाला तो होता नहीं है, और सिर्फ ऐसे ही दो तीन दिन लोग बोलेंगे फिर भूल जाएंगे, आगे तो कुछ होता नहीं है। और आप बता दो, जो भी मी टू का जो मेन है, तो उसमें एक लड़की कहाँ से उस सिचुएशन का प्रूफ लाएंगे, वो क्या कैमरा कैरी कर रही थी, जब उसको कैसे पता होगा कि ऐसे हुआ है। लेकिन जो मिनिमम एविडेंस होता है उससे कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि विमेन के फेवर में लॉ है, जो भी है सिर्फ कहने की बात है, रियलिटी में कुछ नहीं है। लव जिहाद जो है, मैं इसके बारे में लोगों को बताना चाहती हूँ, लव जिहाद इज़ नॉट अबाउट एक हिंदू मुस्लिम से प्यार होता है और शादी करते हैं। लव जिहाद लॉ जो है, ये वो है जहाँ पे लड़के फ्रॉड करते हैं लड़कियों को, मुस्लिम लड़के हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को शादी करते हैं या अफेयर करते हैं, द लॉ इज़ ऑन दैट। तो इसको मैं ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, और लड़कियों को ये भी बताना चाहती हूँ कि किसी के साथ भी अफेयर करो तो उनके बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, पहले जानो फिर आगे कदम लो। क्रिटिसाइज़ करने वाले तो करेंगे कुछ भी, और पता है, लेकिन मैं ये क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, हर कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं, जो ऐसे काम करते हैं, उसके ऊपर हमने ये वीडियो एल्बम बनाया है। और हाँ, अनदर रीज़न तो है कि हम अपने लड़कियों को इसके बारे में बताना चाहते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। नहीं, मुझे एक्चुअली ये ऑफ़र आया था, तो मुझे बोला गया कि इफ़ आई एम इंटरेस्टेड टू डू दिस, मैंने हाँ बोल दिया, और मैंने बोला कि इसके ऊपर तो हम पक्का ही करेंगे, तो हमने वीडियो एल्बम किया इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा मतलब लोग मुझे ऐसे भी भेज रहे हैं कि हर ग्रुप में ये वीडियो वायरल हो रहा है, हर ग्रुप में बोल रहे हैं कि लड़कियों को देखना चाहिए, और मुझे बहुत लोगों ने मैसेज करके बोले कि हम लोग के जितने भी ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि लोग कितना रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ के साथ, और इतने सारे ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत प्रीवेलेंट हो गया है, इसको किसी ना किसी तरह तो रोकना पड़ेगा ना। तो अच्छी बात है कि लोगों को पसंद आ रहा है, और अगर आप कोई काम करते हो, लोग पसंद करते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं, इससे ज़्यादा एक एक्टर के लिए रिटर्न कुछ नहीं हो सकता। स्टोरी उसके साथ बहुत अच्छे से मर्ज भी हो गया, और क्योंकि ये लड़की शादी करने के बाद उसको समझ में आता है, तो इसीलिए इस पोस्टर ऐसे बनाया गया है। समीर ओमकार है जो मेन लीड जो थे, बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं, और बस।
देखिए, मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी के ऊपर और कोई कास्ट या रिलीजन नहीं होता है, इंसानियत सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी उसी चीज़ का किसी का फ़ायदा लो और किसी के साथ बुरा करो, ऐसे चाहे कोई भी रिलीजन हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। और इंसानियत को हमेशा, इंसान को इंसान जैसे सोचो, और ये सोचो कि मेरे साथ होता तो क्या होता, तो किसी के साथ गलत भी मत करो। अच्छे इंसान जितना बन के रह सकते हैं हम, उतना ही देश के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, और अपने आप इनर पीस के लिए भी अच्छा है। मैं बहुत कुछ टॉपिक में सोच रही हूँ अभी, कुछ मतलब ज़ीरो डाउन नहीं किया है, तो बहुत सारे चीज़ों को लेके मैं सोच रही हूँ। मे बी और कोई एक सोशल इश्यू लेके आ जाऊँगा। मैं तो सपोर्ट किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत हिपोक्रिट्स हैं, और मैं और मुझे उल्टा, हाँ ये देखा मैंने कि काम के लिए है या अपने दोस्ती के लिए लोग कितने झूठ भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली मुझे पता चल गया कि लोग कैसे हैं, और सबके बाकी लोगों की भी मेंटालिटी पता चल गया है। जो लोग मुझे बोले कि हम लोग भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सो यू नो लाइक मोरली तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन सामने आके कुछ बोल नहीं सकते, तो ऐसे भी लोग हैं। तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरी सच्चाई है, और मैं उसके आधार पर काम कर रही हूँ बस। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तो ऑलरेडी एक फिल्म कर रही हूँ डेडपूल के कृष्णा अभिषेक के साथ, दूसरी मेरी फिल्म जो है मई जून तक शुरू हो जाएगी, और साउथ के मेरे पहले से साइन किए हुए मूवीज़ थे, तो वो सब भी चालू हो जाएगा। एज सच यू हैव टू बी स्ट्रांग, डर जाओगे तो लोग और डराएंगे, डरना नहीं है, फाइट करना है। मैं लाइफ में बहुत एथिक्स और प्रिंसिपल्स को लेकर चली हूँ, तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को लकी भी बहुत मानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक नेचर की नहीं हूँ, तो उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम मिले हैं और अच्छे तरीके से मिले हैं, तो इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और आगे भी जो काम मैं कर रही हूँ इज़्ज़त के साथ कर रही हूँ, मुझे कोई भी हैंकी पैंकी कुछ भी नहीं है। तो जितना भी हुआ है, मैंने आज 11-12 जो जितना भी फिल्म की हूँ, जितना भी हुआ है, मुझे बहुत मुझे एटलीस्ट अंदर से सुकून है कि मैंने कुछ गलत करके मुझे काम नहीं मिला है। मुझे जो भी जैसे भी मिला है, जितना भी मैंने किया है, वो भी मुझे बहुत इज्जत के साथ मिला है। तो एक इनर पीस वहाँ पे ज़रूर है। जब तभी कोई गलत होता है तो तुम ले नहीं सकते। जब मेरे साथ गलत हुआ तो उससे मेरा 3-4 साल और ख़राब हो गया था। बीच में पटेल की पंजाबी शादी के बाद आई, मेंटली मैं इतना ट्रॉमा में चली गई थी कि मुझे डिप्रेशन का दवाई लेना पड़ रहा था, और मुझे पैनिक अटैक्स बहुत होते थे, तो इसको लेके मैं बहुत दिन फाइट किया, वेट पुट ऑन बहुत ज़्यादा कर लिया था। तो किसी भी तरह कोई मतलब बहुत फाइट कर रही थी। अभी आई फील मच बेटर, तो आई एम इन अ वेरी लाइट मेडिकेशन, विड्रॉल मेडिकेशंस में हूँ, लेकिन आई फील रियली गुड कि मेरे अंदर जो चल रहा था मैंने बोल दिया। और इसके साथ साथ और भी एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि आई हैव गेन करेज। जो पहले हर चीज़ में डरती थी, नहीं बोल नहीं सकती, वो अभी वो करेज मैंने गेन कर लिया है। नहीं देखिए, मैं किसान कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बचपन से ये पढ़ते आई हूँ, और अभी भी हम देखते हैं कि किसान, हाउ द फार्मर्स आर डूइंग सुसाइड एवरी 2 डेज, कितने लोग मर रहे हैं। और आप हरियाणा पंजाब के किसान तो फिर भी अच्छे पोजीशन में है, अगर आप दूसरे जगह देखोगे हिंदुस्तान के, वेस्ट बंगाल का ही नाम ले लो, तो उनको सिर्फ भेल पानी डाल के खाते हैं और रात को सो जाते हैं, ऐसे चलते हैं, उनको प्रॉपरली खाना भी नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है अगर ये नया जो लॉ है इसको अप्लाई करके देखने में हर्जी क्या है। ठीक है, ऐसे भी आज से हम कौन से फार्मर्स कहाँ खुश है, नहीं है ना, तो नया कुछ देखते हैं। अगर नहीं होता है तो अमेंड कर दो, फिर वापस जैसे पुराना था वही लॉ अप्लाई करो। तो नया चीज़ तो ट्राई करना पड़ेगा, ताकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हमें खाना खिलाते हो, खुद को ही उनको खाना नहीं मिलता, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगा, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक बार चांस देना चाहिए, फिर आगे तो प्रोटेस्ट, मतलब गवर्नमेंट इज़ रेडी टू टॉक ना, तो बुला रहे, बात करो जो भी है। लेकिन ये जो एजेड लोग हैं, जो यू नो लाइक ऐसे बैठे हुए हैं, कितने लोग
कितने एजेड फार्मर्स का देहांत भी हो गया, अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। ऐसे उनको सफ़र करवाने के कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन नहीं। उनको बेकार का भड़का के और उनके ऊपर उनके कांधे पे बंदूक रख के अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के जो सोच है वो नहीं होना चाहिए। अभी मैं रेड का शूट कर रही हूँ, वो इस साल आ जाएंगे। दूसरी मेरी मूवी है जो शायद हम लोग नेक्स्ट वीक में वापस आपसे मिलेंगे और उसको अनाउंस भी करेंगे, और वो भी मई तक शुरू हो जाएंगे। और मेरा ऑलरेडी साउथ के मूवीज़ जो साइन किया हुआ है वो है, वो भी बिकॉज ऑफ थिएटर्स एंड ऑल और लॉकडाउन के वजह से सब कुछ पोस्टपोन हो गया, शायद वो सब भी चालू हो जाएंगे। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। कोविड के लिए मैं बोलूँगी कि प्लीज़ मास्क पहनिए, क्या करेंगे, मतलब मुझे भी अच्छा नहीं, मुझे मेरा तो दम घुट जाता है, लेकिन क्या करेंगे, कर ही सकते हैं। और कोई वैक्सीन कितना सक्सेसफुल है अभी तक पता नहीं चला है, वापस कोविड का केसेस बढ़ रहे हैं तो लेकिन हम घर पे तो नहीं बैठ सकते। फिर जो लोग स्पेशली डेली कमाते खाते उनका क्या हालत हुआ होगा लास्ट ईयर, और अभी भी ये कंटिन्यू होते हैं तो कैसे वो लोग जिएंगे। तो हमें एटलीस्ट जो नॉर्म्स है उसको अगर फॉलो कर सकते तो शायद ऐसा हो कि ये कम इसको काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते और हम नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते, और यू नो लाइक बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक्स एज वेल। ऑडियंस को मैं ये बोलूँगी प्लीज़ ये वीडियो देखिए और सिर्फ देख के एंजॉय मत कीजिए, सिर्फ एंजॉय करके भूल मत जाइए, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और प्लीज़ ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया है ताकि सोशल अवेयरनेस हो। आप किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप में जाते हो तो ज़रूर उसके घर पे जाइए, उनके मम्मी पापा कौन है पता कीजिए, उनके फैमिली को अच्छे से जानिए, फिर आगे कोई कदम लीजिए।